मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 4, आई एम योर इंग्लिश टीचर खुशी दादीच एंड टुडे वी विल स्टार्ट विथ S1 ऑफ ब्लॉक 19. ओके, परसुएसिव एसे. एसे मीन्स वी हैव स्टडीड, किसी के बारे में हम कुछ लिखते हैं बहुत सारा इन डेप्थ, दैट इज व्हाट एसे. ठीक है, अब नाउ रीड द एसे स्लीप. एक एसे दिया हुआ है स्लीप, लेबल इट विद डिफरेंट पार्ट्स यूजिंग द टर्म्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. हेल्प बॉक्स से आपको अलग अलग आपको क्या करना है, लेबल करना है पार्ट को. ओके, नाउ हियर स्लीप, फर्स्ट वी विल रीड इट ऑल, देन वी विल लेबल इट. ओके, लेट अस रीड इट. स्लीप इज इम्पॉर्टेंट, स्लीप इज इम्पॉर्टेंट. स्लीप बहुत जरूरी है, नींद लेना बहुत जरूरी है. नोबडी फुल्ली अंडरस्टैंड्स व्हाई वी नीड इट. किसी को पूरी तरह पता नहीं है कि हमें ये क्यों लेना जरूरी है. बट साइंटिस्ट थिंक दैट ऑल दैट द बॉडी यूजेस द टाइम टू रिकवर एंड टू रिपेयर डैमेज. हमारी बॉडी को क्या चाहिए, टाइम चाहिए टू रिकवर एंड रिपेयर द डैमेज. वी मस्ट गिव अवर बॉडी इनफ रेस्ट. हमको हमारी बॉडी को इनफ रेस्ट चाहिए. ओके, देना चाहिए. वेन वी फॉल अस्लिप, जब हम सोते हैं, आर मसल्स रिलैक्स एंड आर सेंसेस रेस्ट. हमारे मसल्स रिलैक्स करते हैं और हमारे सेंसेस भी रेस्ट करते हैं. व्हेन वी डोंट स्लीप प्रॉपरली, जब हम पूरी तरह प्रॉपरली सोते नहीं है, वी फेस मैनी प्रॉब्लम्स. हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. आर बॉडी एंड ब्रेन डू नॉट वर्क प्रॉपरली, हमारी बॉडी और ब्रेन दोनों ही प्रॉपरली वर्क नहीं करते. इफ वी डोंट गो टू बेड एट नाइट एट द राइट टाइम, वी विल बी स्लीपी इन क्लास. अगर हम सही समय पे बेड पे नहीं जाएंगे सोने, तो हम क्लास में नींद महसूस करेंगे एंड नॉट लर्न सो मच, और हमें अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा क्लास में कुछ. व्हेन वी आर टायर्ड, जब हम थक जाते हैं, वी मे नॉट बी एबल टू थिंक क्लियरली, हम पूरी तरह प्रॉपरली सोच नहीं पाते हैं. एंड वी मे ऑल्सो बी अ डेंजर टू अदर प्रॉब्लम, एंड वी मे ऑल्सो बी अ डेंजर, और हम दूसरे लोगों के लिए भी एक डेंजर बन सकते हैं. एक्सीडेंट कैन हैपन, एक्सीडेंट भी हो सकता है. वी विल लैक एनर्जी, हम एनर्जी लैक करते हैं. And we will not be able to play. हम खेल भी नहीं सकते. Is staying up late really worth it? क्या लेट तक जागना हमारे लिए कुछ कुछ मिलता है हमें जाग कर? Exactly नहीं मिलता. There is some truth in the old saying. Old saying में बहुत ये सच्चाई है कि early to bed, early to rise makes us healthy, wealthy and wise. जल्दी हम सोते हैं तो जल्दी उठते हैं और इससे हम healthy, wealthy और wise बनते हैं. The next time someone start to argue about his or her bedtime, remember our body needs a break. Next time अगर कोई आपके साथ इस बारे में argue करे bedtime के बारे में, तो ये याद रखना कि हमारी body को क्या चाहिए, break चाहिए, relax चाहिए. Okay? So now we will label it. Okay? Now here can see I have given the labels. Okay? Sleep is the topic of the, ठीक है, topic sentence. ये topic है, main topic. ये क्या है, दो लाइंस, ये एविडेंस और फैक्ट है, ये हमें सच्चाई बता रहे हैं कि स्लीप इम्पॉर्टेंट है. ये पूरे पांच लाइन हमें क्या बता रहे हैं, रीजंस बता रहे हैं. एंड दीज आर दी क्लोजिंग सेंटेंसेस. ओके, इन दिस वे यू कैन लेबल द एसे. तो आपको इसी तरह पहले टॉपिक लिखना है, फिर एविडेंस और फैक्ट लिखना है, फिर रीजन, एंड आफ्टरवर्ड यू हैव टू क्लोज द टॉपिक. ओके, नाउ व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द एसे. एसे की मेन आइडिया क्या है, कि हमें इसलिए स्लीप इम्पॉर्टेंट है. दिस इज द मेन आइडिया, स्लीप इज इम्पॉर्टेंट. दिस इज द मेन आइडिया ऑफ द एसे. नाउ यू हैव टू राइट एडिशनल फैक्ट एंड ओपिनियन दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द एसे. एडिशनल फैक्ट और ओपिनियन, ओपिनियन और फैक्ट दोनों लिखने हैं. ओपिनियन फैक्ट क्या लिख सकते हो, कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट स्टेटेड दैट स्लीप ड्राइवर met with an accident. Here it is met, it is not not, it is met. Okay, met with an accident. Sleep help the heart to work properly. ये एक newspaper में report आई थी कि sleep driver का accident हो गया था, sleepy driver का, ठीक है. और sleep से क्या हो जाता है, helps the heart to work properly. These are the two facts we have given here. Okay, opinion you can say sleeping is the best way to recover your body. अपने body को recover करने का best way क्या है, sleeping, सोना ही है. All of us must sleep on time, इसलिए हम सबको समय पर सो जाना चाहिए. Okay, this is the opinion. In this way you understand all this page and do it. Okay, thank you.